इधर से ही आ रहा है इधर। ओके तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दिसू फॉर एवर। तो अभी हो रही है रात और मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट अभी कर रही हूँ। बस ऐसी डेली रूटीन का व्लॉग करना है, कुछ कहीं जाना आना कुछ खास है नहीं। बट हाँ, घर में बहुत सारा काम है, शाम का जो काम बहुत सारा हो जाता है, लाइक खाना बनाना है और कमरा वमरा मतलब ऐसी बिखर बिखर सा जाता है, उसको ठीक ठाक करना है। बाकी मुझे एक एक्स्ट्रा काम भी करना है। और हाँ, एक मैं टोनर बना रही हूँ आज, वैसे मैं नया सा ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे लगा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मतलब एक हैक हो गया टोनर बनाने का, और मुझे वेदू की अलमीरा ठीक करनी है, एकदम बिखरी हुई है। उसका मैं टूर भी ना मतलब उसकी अलमीरा दिखाऊंगी, कोई नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी बहुत अच्छे से, बट आज मैं पहले सेट कर दूँ उसको, बिखर गई है, रोज़ नहीं सेट हो पाती है इसलिए। और एक दिन सेट करके अगले दिन उसका बढ़िया सा वीडियो बना के हम दिखा देंगे आपको। बाकी चलिए हम काम कर लेते हैं, पहले धीरे धीरे काम को निपटाया जाए। ओके तो देखिए यहाँ बन गया है चावल, बस ये बन गया है। इधर बन रही है दाल, इधर बन रही है घिया की सब्जी जो ऑलमोस्ट बन चुकी है, थोड़ा सा और बाकी है। ये विसल आने वाली है इसकी, बंद कर दूँ मैं इसको भैया यूँ मत। ओके तो यहाँ पे ये मैंने इसका टोनर, मतलब मुझे लगा ऐसे ये चीज़ें वैसे अच्छी होती है ना, ये ना देखो ये खीरा है, खीरे के छिलके हैं, ये मैंने किसी ना वीडियो में देखा था मतलब यूट्यूब की, कि छिलकों से भी हम टोनर बना सकते हैं। और ये है घिया और ये है केला, तो ये सारे यूज़ किए हुए छिलके हैं खाए पिए, बस इनका मुझे टोनर बना रहा है। अभी मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनाएंगे, ठीक है। बाकी अभी आटा गूंदना बाकी है, बर्तन बाकी हैं, सारे कपड़े भी बिखरे हुए हैं जो मुझे वेदू के हैं, सारे सेट करने हैं। पैर की हालत भी कुछ ख़राब हो रही है, किसी व्लॉग में ना मैं ना वो करूँगी पेडिक्योर भी ट्राई करूँगी, होम पेडिक्योर। बाहर तो जाना हो नहीं पाता है, बाकी घर पे करेंगे। नेल पेंट भी बिल्कुल ही मतलब हटी हुई है, तो करके पेडिक्योर और फिर नेल पेंट लग जाए अच्छी सी। यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ, सारे काम तो हो गए थे, सिर्फ ये आटा रह गया था, बाकी कुछ बर्तन वर्तन है वही सब रह गए थे, बस वही करना है। रात में ना, रात में क्या यार, दोनों टाइम का ऐसा ही है, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ ही होता है, सब कुछ ही खाना वाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। मगर पता है मैं जल्दी ही स्टार्ट कर देती हूँ अपना, 6:30 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ कि मेरा फटाफट खाना वाना बन जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊँ। फिर वे तो भी बीच बीच में तंग करता रहता है थोड़ा, तो उसके चक्कर में मेरा लेट हो ही जाता है। और वीडियो ना मेरी थोड़ा सा लेट पोस्ट हो रही होगी, क्योंकि रीज़न कुछ नहीं है, ऐसा ही है बस, थोड़ा मुझे मैं कभी कभी एकदम ही वो हो जाती हूँ, एक्टिव हो जाती हूँ, तो मैं ना डेली फटाफट एडिट करके करने लग जाती हूँ वीडियो पोस्ट। और कभी कभी मैं एकदम लेज़ी हो जाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, एकदम ही सब भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या। यार प्लीज़ यार मोटिवेट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फुल देखो, वॉच पूरा मतलब लास्ट तक देखो, प्यार दो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट वाला फ़ील होना, और मैं भी मतलब धार धार वीडियोस बहुत सारी लेकर आऊँ, क्योंकि मेरे पास माइंड में बहुत सारी वीडियोस हैं, कंटेंट बहुत सारा है, यहाँ तक कि मेरी ना फ़ोन में बहुत सारी वीडियोस भी शूट हो रखे हैं, बस उनको एडिट करने में जो मुझे चाहिए ना ताकत चाहिए, वो आपके आपके ज़रिए आएगी, आप सपोर्ट करोगे तब आएगी वो। तो बस ये फटाफट हम काम कर दें, अब जाके हम थोड़े थोड़े जो बाहर के काम है वो करें। तो मैंने अपने वेदू की अलमीरा मतलब यहाँ बैठ के कोने में, मतलब यहाँ जगह है तो बस यहीं रख रखी है, एकदम फिट आ गई है, मतलब मुझे पता नहीं था कि फ़िट आ जाएगी, मैंने ऑर्डर की उसके बाद ये बनाई और ये एकदम फिट आ गई। तो आज हम साफ़ करते हैं, बेसिकली यही बात है, तो चलिए साफ़ करते हैं। कैसी दिख रही हुई आपको, दिख रही है, देखो बहुत बिखर जाती है पता है, सो ये पूरी की पूरी ऐसे है, देखा ये पूरी की पूरी मतलब ये ऐसे है, इसमें सारा सामान बिखरा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर भी है, ऊपर भी है, इसके ऊपर नौकर भी सामान रखना होता है। तो बाकी हम पहले हम इसको सेट कर लेते, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है।
बस यहाँ पे मैं ये फटाफट ना सेट कर दूँगी। सेट ना इसलिए बिगड़ भी गई ना क्योंकि ये जो टाइम है ना, जिस टाइम की ये वीडियो है, इस टाइम ना मतलब जो एकदम गर्मी आ गई थी और ठंड ना हल्की हल्की जो थी ना वो जा रही थी, तो जो इसकी टी शर्ट जो फुल स्लीव्स की थी ना, स्वेटर वेटर ये सब तो रख दिए थे बहुत पहले ही मैंने, क्योंकि उतनी ठंड नहीं थी, बट जो फुल स्लीव्स के थे, जो पूरी पूरी पैजामे होते वैसे करके लोअर ऐसे करके थे ना, वो भी निकालने थे मुझे, बिल्कुल हटाने थे निक्कर और एकदम उस पर टी शर्ट पहना था जो स्लीव्स लेस होते हैं मतलब कट स्लीव्स वाले, उस पे आना था। तो वो अभी रखने भी हैं कपड़े और ये सब हटाने हैं। तो ये है कि मैं चीज़ों जो फालतू होते हैं जो नहीं पहनता है, मतलब जो वेदू नहीं पहनेगा या जो साइज़ में छोटे हो गए हैं, वो सारे नहीं हटा ही देती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ना इसी अलमीरा में इसके जितने भी कपड़े हैं आ जाए। वैसे है मेरी अलमीरा में भी इसके कपड़े रखे हुए हैं और नीचे बेड है ना, बेड में भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं इसके, बट ये है कि मैं सोचूँ जो डेली के कपड़े हैं वो इसमें रहें कि फटाफट ना यूज़ में आ जाए। तो बस ये है कि मैं इसको साफ़ उफ़ कर दूँगी अच्छे से, जो भी यूज़ वाले हैं सारे रख दूँगी, ये सब हटा वटा दूँगी और हम अपना काम कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यार बनाए रखना, ऐसी वीडियोज़ देखते रहना।